नाजिन कमर में खीरथर जबल के पहाड़ से मौजूद कुत्ते की तारीखी कबर बाबत शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के जाग्राफी शोबे के चेयरमैन नूर हसन चांडियो तहकीकी रिपोर्ट ठाई है। अचो तो तेखारियूँ। तबई तौर से पाकिस्तान मुख्तलिफ खितन में विरहायल है, जैमें जबल मथा पट मैदान ए रेगिस्तान शामिल है। फितरती तौर से जेका सूंह जबलन में है उहा बेहंद किथे। जबल मुख्तलिफ दौरन में इंसानी कशत जो सबब रहा है। पाकिस्तान के उत्तर में जबलन जो अड़ू तो खूबसूरत कतारू हैं जेके मानुन के मोहे विझन थी। मुल्क के कुंड कुड़श में लखे मानू हर साल इन सूह ता मोहजण खातिर इन जबलन जो नजारो कन था। पाकिस्तान के उतरे इलाकन में जेके लखे मानू हर साल इन सूह जो नजारो करण घट दर्जे हरात के करे लुत्फ अंदोज थन था, उन मानुन में अक्सरत अड़न मानुन जी आहे जेके मुल्क के गर्म इलाकन में रहन था, जिथे गर्मिन में पारो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मथे हलो वे तो। अड़न इलाकन में सिंध भी अची वे थी। सिंध में हमालिया जेतरो वडो को जाबुल सिलसिलो त न आहे, पर सिंध जे ओलह में खीरथर जबल एक बेहतरीन उमेद आहे, जेंजी चोटिन ते जून जुलाई महीने में भी 25 का 30 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्मी मथे नथी वने। खीरथर जबल ते मुख्तलिफ जाबलू चोटियो आहिन, जेमा ब जाबलू चोटियो तमाम घणो मशहूर आहिन। उनन चोटिन में गोरख कुत्ते की कबर मागे मशहूर आहिन। गोरख जेका जिले दादू में मौजूद आहे, कुत्ते की कबर कंबर शदादपुरा जिले में मौजूद। इन्हें जाबलू चोटिन के विच में जो मुफासिलो आहे सिर्फ 72 किलोमीटर आहे। कुत्ते की कबर खीरथर जबल की जै चोटी ते वाकियो आहे उनके डाढ़ियारो सरजे तो। इन तारीखी माग के उजागर करण में मिर्जा कलीच बेग, इनायत मेमुन, एम एच पहर, रफीक भट्टी जो अहम किरदार रहो, जैं पंहिंजी लिखणियुनि जे वसीले हिन थधे माग खे सिंधु वासियुनि में मुतारफ़ करायो। उन खां बाद में कंबर सां ताड़को रखंदड़ लेखकनि पिण कुत्ते जी कबर ते कालम किताब लिखिया। तारीख़ जे वर्कनि खे खोलण सां ख़बर पवे थी त 1845 में चार्ल्स नेपियर हिन माग खे विज़िट कयो ऐं हिते सीमट जो हिकु होल ठहिरायो जेको अॼु बि मौजूदु आहे, ऐं हिन होल खे सिंध बलोचिस्तान जी सरहद करार ॾिनो वियो। कुत्ते जी कबर जे ओलह में हिकु पथर पयल आहे। हिन पथर ते केतिरनि ई मशहूर शख्सियतुनि जा नाला उकिरियल आहिनि। उन्हनि नालनि में WH बोल्टन, जंहिं 1862 में हिन चोटीअ खे पार कयो, जॾहिं त जॉर्ज हेडरसन 1861 ऐं WH लोकास 1910 में हिन चोटीअ ते पहुता। उन खां बाद में सिंध सां तालुक रखंदड़ मिर्ज़ा कलीच बेग 1885 में हिन चोटीअ ते पहुतो। मिर्ज़ा कलीच बेग हिन माग जी वापसी खां बाद में ॾाढ़ियारे जबल जो सेर नाले हिकु सफ़रनामो लिखियो जेको सिंध में तमामु घणो मशहूरु थियो। ॾाढ़ियारे जबल जी हिन चोटीअ जी ऊचाई खे मुख़्तलिफ़ लेखकनि मुख़्तलिफ़ लिखियो आहे। उन्हनि में मिर्ज़ा कलीच बेग 7500 फुट लिखे थो, जॾहिं त एम एच पावर 6877 फुट लिखियो आहे। उन खां बाद में आसिफ रज़ा मोरियो 7600 फुट पिण ॼाणायो आहे। जॾहिं त असांजी डिजिटल माप जे मुताबिक़ कुत्ते जी कबर 7 समुंड खां 6710 फुट मथे आहे, जॾहिं त गोरगिल स्टेशन 5614 फुट 7 समुंड खां मथे आहे। कुत्ते जी कबर गोरगिल स्टेशन खां 1096 फुट अञा भी मथे थे थी। एक हैरत की गाल इहा भी आहे त मरी हिल स्टेशन कुत्ते की कबर का सिर्फ 806 फुट मथे आहे। आखिर ढाढ़ियारे जबल की इन चोटी ते ही नालो कीं पयो? इन लाइ सिर्फ एक ही कहानी सामू अचे थी, जंहिंजो जिक्र मुख्तलिफ़ किस्सन कहाणियुनि सफ़रनामन में भी मिले थो। कुत्ते की कबर ते इहो नालो कीं पयो? सभ खां पहिरियों जेको हिन कुत्ते जी कबर खे उजागर कयो आहे उहो कयो आहे असांजे मिर्ज़ा कलीच बेग साहिबु। 1885 में पंहिंजो नाविल लिखियो, उन खां बाद में एम एच पहर साहिबु लिखियो आहे, पर इन सभिनी खां अॻु में 1885 में ई सर चार्ल्स नेपियर जेको आहे उन पंहिंजे जेको आहे सो हिकु किताब में आहे सिंध जूं लोक कहाणियूं,
उन्हनि में हिन जो जेको आहे सो ज़िक्र कयो आहे ऐं उन में इहो लिखे थो त हिकिड़ो ॻोठाणो हुयो जेको जंहिं वटि हिकिड़ो कुतो पालियलु हूंदो हुयो ऐं कंहिं वक़्त में उन कया कंहिं हिंदू वापारी खां कुझु सामान वठण जे लाइ उन जे दुकान ते आयो ऐं उन जा कुझु पैसा खुटी पिया उन जेको सामान उन घर जो वरितो। जॾहिं उन जो कुझु पैसा खुटी पिया त उन छा कयो त उन ते कुझु ओधर कराई, रखत कराई ऐं उन ओधर जे पैसनि में उन हिंदू वापारी वटि उहो कुतो छॾियो इन शर्त ते त मां सुभाणे तव्हां खां पंहिंजो कुतो काहे वेंदुमि ऐं जेके आहिनि पैसा जेके तव्हांजा बचनि था उहे तव्हांखे ॾींदुसि। सामान खणी जेको आहे सो उहो ॻोठाणो हलियो वियो जबल ते मथे ऐं वरी राति जो हिकिड़ो इतफ़ाक़ इहो थियो त उन जेको हिंदू वापारी हुयो दुकानदार जेको हुयो उन जे दुकान खे खाटो हणण जे लाइ कुझु राति जो चोर आया। उन जे दौरान कुते खे सुजाॻ थी कुतो भौंकियो त हिंदू बि उथी पियो जेको उनजे घर भाती हुया उहे बि उथिया ऐं जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां जेको हिंदू वापारी जो दुकानु हुयो उहो चोरी खां बची वियो। जॾहिं बची वियो त हिंदू ॾिठो त न कुते जेको आहे सो मुंहिंजो हेॾो वापारु जेको हुयो सामान हुयो चोर खणी वञनि हा हिन बचायो आहे। सुबुह जो हुन कुते खे चयो त तव्हां आज़ादु आहियो तव्हां वञो। अहिड़े नमूने सां कुतो जेको आहे सो पंहिंजे मालिक ॾे जेको आहे सो हलियो वियो। उन खां बाद में जेको आहे सो जॾहिं हुन खे साॻे ॾींहं ते हू सुबुह जो अचे पियो जॾहिं रस्ते ते ॾिठईं त कुतो अचे थो पियो त हुन कुते खे जेको आहे सो इल्ज़ाम ॾींदे तनक़ीद कंदे चयो त मां तव्हांखे ओधर ते ॾेई आयुसि पर तव्हां मुंहिंजो भरम बि न रखियो जॾहिं त मां अॼु तव्हांखे आज़ादु कयां मां पंहिंजा पैसा खणी अचां पियो। अहिड़े नमूने सां जेके लिखनि था त उन कुते खे बुझो ॾिनो आहे ऐं कुतो उन जेको आहे सो उन बुझे में ॾकी ॾकी उते जेको आहे सो दम ॾिनो ऐं जेको ॻोठाणो हुयो पैसा खणी जॾहिं वापसि आयो हिंदू वटि त हिंदू सॼी माजरा करे ॿुधायसि त मां कुते खे त पाण छॾियो आहे। उन खां बाद में हुनखे वॾो अहसासु थियो ऐं जॾहिं वापसि आयो त कुतो उते मलो ऐं कुते खे खणी अचे ॾाढियारे जबल जी जेका मथे में मथी चोटी आहे जंहिंखे असां अॼुकल्ह कुते जी क़बर चऊं था उते अचे जेको आहे सो हुनखे हिकिड़ी पूरे छॾियईं ऐं उन ते इहो जेको नालो पियो आहे कुते जी क़बर उन खां बाद में जेको आहे सो मशहूरु थियो आहे। ऐं सिर्फ़ु इहो मिर्ज़ा कलिजबेग साहबु एम एश पांवर साहबु या कंहिं ॿियनि हाणे में न आयो आहे मुख़्तलिफ़ जेके लेखक आहिनि उन्हनि सभिनी इन क़िस्म जो ज़िक्र कयो आहे। उन लेखकनि खां अलावा जेके जबल ते माण्हू रहंदा ॾाढियारे या खीथर ते जेके माण्हू रहंदा उन सभिनी जी इहा ई राय आहे इहा ई हिकिड़ी जेको आहे सो जेको आहे सो कहाणी ॿुधाई आहे त उन जी जेका नालो जेको पियो आहे उन जे पुठियां ही सबबु आहे। कुते जी कब्र मथां साल जे 365 ॾींहनि मां अक्सर करे झुड़ाली मौसम रहे थी। मक़ामी माण्हू जी मालूमात मुताबिक़ हिते अक्सर करे बरसाति पवंदी आहे। हीअ बरसाति सब्ज़ियुनि ऐं फसलनि लाइ तमामु घणी काराइती बणिजे थी। मक़ामी माण्हू सर्दी पवण सां हेठि कंबर शदाद कोट ऐं दादू ज़िलनि ॾांहुं लही अचनि था। एमएश पहवर पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त ही जाबलू खाना बदोश कबीला वधीक सर्दी पवण करे हेठि मैदानी इलाइक़नि ॾांहुं लही अचनि था जिथे हू सख़्तु पोरियो करे जंहिंमें लाबारो करणु गाहु ॻाहिण जहिड़ा कम करे रोज़ी कमाइनि था। हिन इलाइक़े में सेप्टेम्बर खां सर्दी शुरू थी वञे थी जिथे राति जो सवड़ खां सवाइ सुम्हणु मुमकिन। इहो ई सबबु आहे त सेप्टेम्बर खां अप्रैल ताईं मक़ामी माण्हू मैदानी इलाइक़नि ॾांहुं लही अचनि था। तक़रीबन सिजल थिए खां थोरो अॻु में माना असां पहुतासीं ॾाढियारे जबल ते। उतां हिकिड़ो पंहिंजो घेटो सोर चवंदा आहिनि उहो हिकिड़ो पंहिंजो सोड़ो लंघ आहे माना उहो टपी ॾाढियारे जबल ते पहुचबो आहे। ॾाढियारे जबल जे मथां वरी मैदान आहे पोइ उते असांखे ॿुधायो उन्हनि लोकल्स त भई हाणे जीअं त सीउ पइजी चुका आहिनि इन करे जेके हिते माण्हू रहंदा आहिनि मथे उहे हेठि इहा पोज़ीशन ई जो सीउ जे करे माण्हू हेठि लही आया। बाक़ी उते उहो छा कंदा आहिनि कणिक पोखींदा आहिनि ऐं कणिक पोखण जो इहो हूंदो आहे त बसि उतां छाटी करे ऐं लही ईंदा आहिनि। पोइ हुनखे ख़बर हूंदी आहे त भई केतिरे टाइम में इहा तयारु थींदी। पोइ वरी वेंदा आहिनि वरी उहा सॼो लाबारो करे वरी पंहिंजी कणिक जेको आहे सो खणी ईंदा आहिनि। उते काफ़ी सीउ मतिलबु असांखे महसूसु थिए पियो हालांकि असां गरम बि हुयासीं छो त मुसलसल पंध जे करे पर महसूसु कयूं पिया त माना टेम्परेचर उते काफ़ी जेको आहे सो ड्रॉप थींदो पियो वञे। हिननि बरसातियुनि नयन खां सवाइ हिन जाबलू सिलसिले में कुझु हसीन कुदरती आबशार पिणु मौजूदु आहिनि जेकी सॼो साल ख़ासि तौर ते उन्हारे में तफ़रीह जो मक़ामु बणिजनि था। हिन आबशारनि जे थधे पाणीअ मां लुत्फ़ अंदोज़ थियण लाइ परे परे खां माण्हू अची हिते मिड़नि था। कुझु ई वक़्तु अॻु बलोचिस्तान हुकूमत जी उहा दावा साम्हूं अची वई त कुते जी क़बर या ॾाढियारो जबल बलोचिस्तान सूबे जी हदूद में अचे थो। बलोचिस्तान जी हिन दावा सिंधु वासियुनि खे ॼण त अचरज में विझी छॾियो।
छाकाण त बलोचिस्तान हुकूमत वट को अड़ो मजबूत दलील पिण न हुयो जैसा हू इन कदीमी ए तफरी माग ते पंजे मालकी जो हक रखन। 1845 खां वठी 2020 ताईं समूरन सरकारी दस्तावेज़न में हिन इलाइक़े खे सिंध जे ज़िले कंबर शहदाद कोट ऐं तालके कंबर यूसी गेबीदर में ॾेखारियो वियो आहे। हिन ई इलाइक़े सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली नवाब सरदार खान चांडियो सिंध असेंबली में पिण हिन इशूअ खे उथारियो। 1876 में उसमें क्लियरली मार्क्ड है कि हमारे सिंध की हदूद उस खान ऑफ कलात उस टाइम के रूलर ऑफ बलूचिस्तान अंडर द 256 आई कैन रिलैक्स ऑल द रूल्स। जी जी आप पढ़िए। जिसमें ये क्लियरली मेंशनड है बाय एवरी इंच ऑफ इट इट सेज कि इट्स पार्ट ऑफ सिंध और ये टाइम टू टाइम उसके बाद 1951, 78, 81, 84 की जितनी भी सर्वेज हुई हैं जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने की हैं एग्जैक्टली मार्क्स इट दैट इट इज द पार्ट ऑफ सिंध एंड इट शुड स्टे एज पार्ट ऑफ सिंध। हमारे पास इन चीजों के जो वहां के लोकल लोग थे जिन्होंने 1988 में वहां की लोकल एफआईआर्स तक भी हमारे सिंध में दाखिल हैं जो वहां पे सिंध की हदूद और डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट और कंबर की हदूद की है। जी बात की। जदीद गूगल नक्शन के मुताबिक कुत्ते की कबर बलोचिस्तान की सरहद का 2.5 किलोमीटर सिंध के अंदर अचे थी। ही खितो समाजी इक्तिसादी तौर ते त पोइते पयल आहे मगर कुदरती वसीलन सां मालामाल ऐं रवायतुनि जे कदर सां भरियल आहे जिथे हर शख्स पंहिंजी कहाणी रखे थो। हिते गैस पेट्रोल ऐं ग्रेनाइट खां सवाइ ॿिया केतिरा ई कुदरती वसीला मिलनि था। इहो ई सबब आहे त बलोचिस्तान हुकूमत हिन वसीलनि ते क़ाबिज़ थियण जे लाइ ही मामिलो उथारियो आहे। दरअसल साईं ही जेका कुते जी कबर जे मुतालिक़ मामिलो उथियो आहे ख़ासि तौर ते असांजी गवर्नमेंट ऐं सिंध गवर्नमेंट जेका इन मामले में कंहिं बि क़िस्म जो कंहिं बि मालिकी वारो किरदारु अदा करे न सघी आहे। इन जे किरदारु अदा न करण जे करे अॼु बलोचिस्तान गवर्नमेंट पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे ऐं उहो किरदारु हुन मालिकी जी सूरत में तोड़ी जो हुनखे कंहिं बि अहिड़ा के दलील कोन्हनि के जेके दलील हुन जी मालिकी साबित करे सघनि बामा सवाइ इन जे त गुज़िरियल जेका बलदियाती इलेक्शन हुई उन बलदियाती इलेक्शन दौरान इतां जे वेठल जेको बुनियादी तौर ते सिंध ऐं ख़ासि तौरु कंबर ज़िलो ख़ासि तौरु कंबर तालुको ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे गेबीदेर यूनियन काउंसिल जे अंदरि रहंदड़ कबीलो जेको छुटा कबीले जे नाले सां ऐं उहे ख़ुदि जंहिंजा अॻु में वोट कंबर तालुके जे अंदरि दाख़िल हुया उन्हनि माण्हुनि पंहिंजा कुझु माण्हुनि जा वोट बलोचिस्तान में दाख़िल कराए उन्हनि जेका कोशिशि कई आहे छो त इतां कुझु अहिड़ा ज़खायर मिलनि था पिया उन्हनि ज़खायरनि ते कब्ज़े करण जे लाइ जेकॾहिं सिंध जे अंदरि हूंदी इन जे करे हुननि बलोचिस्तान जे कुझु माण्हुनि सां मिली जुली करे उन्हनि ज़खायरनि ते क़ाबिज़ थियण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जो मामिलो उथारियो आहे। ही मसलो न सिर्फ कुत्ते जी कबर जी मालिकीअ जो आहे बल्कि पंहिंजी धरतीअ जी वासीअ जो पिण आहे छाकाणि त माज़ीअ में बि के अहिड़ा किसा थी गुज़रिया आहिनि जंहिंमें बलोचिस्तान कुझु ॻोठनि ते मालिकी करे वेठो आहे जंहिंमें ॻोठु हरबाब पिण आहे। ही ॻोठु खीथर जबल में हिकु लक में मौजूदु आहे जेको सिंध जे शहर मड फरीदाबाद ऐं बलोचिस्तान जे शहर खे मिलाइण में अहम किरदारु निभाए थो। ॻोठु हरबाब ज़िले दादूअ में 150 खां वधीक घरनि ते मुश्तमिल आहे जंहिंजो समूरो रिकॉर्ड अॼु बि SP आफ़िस दादू में मौजूदु आहे मगर मालिकी न हुजण करे ही ॻोठु बलोचिस्तान में लिखियो वञे थो। मगर कुते जी कबर ऐं ॾाढियारे जबल जो किछो कुझु हिन खां मुख़्तलिफ़ आहे छाकाणि त हिन इलाइक़े जी वक़्त सिर मालिकी हुजण जे करे बलोचिस्तान हुकूमत ख़ामोशी अख़्तियार करे वरिती आहे। जेको बॉर्डर वारो इशू आहे ख़ासि करे असांजे खुज़दार डिस्ट्रिक्ट सां उहो इशू क्लियर आहे को असांजो या कंहिंजी क्लेमिंग जी सां त उहो उन शइ जी प्रॉपर्टी न थींदी। इहो हिसो सिंध जो आहे ऐं बिफोर पार्टीशन
भी जेका सर्वे थी हुई अंग्रेज के टाइम खां तें में भी इन्हीं जी जेका सर्वे पाकिस्तान वट उन्हीं जा नक्शा मौजूद है। सर्वे पाकिस्तान वट इन जा सजी डिटेल मौजूद आ नक्शा अज भी मां समझा मावट हुंदा जेके हनन जा उते आहन बॉर्डर लाइन क्लियरली मार्क्ड आ असांजी सिंध बलूचिस्तान जी और ये शयूं सब क्लियर आ इन्हीं में को सेकेंड इशू आ ही कोन जो असा को मानो चाहे तो सही असो इन में सेकेंड इशू आ ही कोन क्रिस्टल क्लियर जी गाल क्रिस्टल क्लियर गाल बाकी हाँ हेडों दग न होजण के करे जो होडों को दग पाजी सहूलत ला को ठाए तो अचे वो चाहे तो सही मैं इन सहूलत ला दग ठाई आया हाँ यो बलोचिस्तान छो जो बलोचिस्तान के बॉर्डर से लगो तो लो हेडों डिफिकल्टी आ उस ती वजण की वो चवे तो सही अस हाँ जो बलोचिस्तान थी तो यो गलत गाल सिंध की आ सिंध की रही इनशाला सिंध में ही रही। खीसर जबल की सूह उन मौजूद कुदरती आबशार खीसर नेशनल पार्क गोरग हिल स्टेशन कुत्ते की कबर सिंध में अड़ा तो तफरी माग आन जी दुनिया के 70 सैकड़ों मुल्कन के नसीब में ना मगर हुकूमती बेध्यानी सबब हि माग उ हैसियत न माने सको है जी संदन मिलन घुर्जे अलमियो इो भी है सिंध की अधो आबादी कुत्ते की कबर के नाले का वाकुफ ही को अज भी सिंध के इन तफरी माग से पहुंचने लाए बलोचिस्तान के जिले खुजदार के तालके करख में गुजरी वरी तालके कंबर में वापस अचण पवे तो कंबर में रस्तो वेझो तो है मगर जाबलू रस्तो होजण के करे तमाम घणी मुश्किलात के मुंह जणो पवे तो ये वक्त की जरूरत है इन तफरी माग से पहुंचने लाए तालके कंबर में ही रस्तो ठाया वे माग के गोरग हिल स्टेशन से मिलाया वे जी हितां जी सियाहत में तमाम घणो वाधारो थे।